सारा ने मैं हूं तेरे गला कुसुम गोयल। तो देखो भाई, एक तरफ तो आपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और पूरे नारे भी लगाने लग रहे हैं कि भाई बेटियां ने पढ़ाओ आगे करो, उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर जो जाकर देखा आप इन सारे चीजा ने, तो मामला कुछ और ही समझ में आवे है। इब तमन कहोगे न्यू क्यूकर, तमने बता दू कि भाई जो ताजा मामला है वो जींद का है। जींद में एक महिला के साथ रोहतक में सामूहिक दुष्कर्म की 2 दिन पुरानी घटना सामने आई है और यह हैवानियत किसी और ने नहीं की बल्कि महिला के अपने जानकार ने ही करी है। रोहतक बस स्टैंड पर जब यू हादसा उस टाइम होया, यू मतलब यू जो दुष्कर्म का मामला है उस टाइम होया जब महिला अपनी सहेली तय मिलन खातर दिल्ली जा रही थी और दिल्ली जा रही थी वह तो उसे टाइम उसके परिचित उसे एक होटल में ले गए और ओड़ा उसके साथ दुष्कर्म कराया और उसके साथ साथ उसने जो शिकायत दी है पुलिस को उसमें 6 लोगों के नाम दिए हैं। यानी कि उस महिला ने बताया है कि 6 लोगों ने मिलकर उसका गला दुष्कर्म कराया है। इस बारे में पूरी जानकारी तब तक बताओगी जो पुलिस अधिकारी मैडम है ASI, उनकी बात सुनो ता में क्या कह रही है वो। तो इस बारे में जांच कर रही ASI गीता देवी ने बताया है कि बिजू करे उन्होंने इसकी खबर मिली तो उन्होंने जो महिला है उसका मेडिकल करवा लिया है और उसके बाद दीपक अमित और मंगल इन तीनों को नामजद करके 3 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो कर दी है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जल्द इनको पकड़ लिया जाओगा और इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाओगी। इब देखने वाली बात नु है कि कद से वे पकड़े जाओगे, कद से उनके खिलाफ आगे की जो जांच है वो होगी और जो दोषी होगा उसने सजा मिल पाओगी। खैर तारा के कहना है कि आज के टाइम में महिलाएं कितनी सुरक्षित है कितनी ना सुरक्षित है तमें मैंने कमेंट में जरूर बता दियो, क्योंकि देखो रोज के नए मामले आ जावे हैं कि फलानी जगह पर रेप हो गया, फलानी जगह पर दुष्कर्म हो गया। तो तारा इस बारे में जो भी राय है मैंने कमेंट में जरूर बताइयो। मैं फिर मिलूंगी तमने किसी और खबर के लिए, तब तक के लिए राम राम।